जहानाबाद में क्राइम ने दी फिर से दस्तक। सोए हुए अवस्था में एक युवक को गोली मार कर की हत्या। जिले में अपराधी सक्रिय होते दिख रहा है। जिले में अपराध की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। इसी कड़ी में बीते रात्रि जिले के ओकरी ओपी क्षेत्र के ग्राम मसाड़ में एक सोए हुए अवस्था में एक युवक को गोली मार कर हत्या कर दी गई। जो ही अहले सुबह मृतक की माँ अपने बेटे को उठाने आया तो मृत पड़ा देख दहाड़ मार रो पड़ी। चीत्कार की आवाज़ सुनते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जहानाबाद भेजा। बताया जाता है कि प्रत्येक मंगलवार की भांति इस मंगलवार को एक गांव के मंदिर में भजन कीर्तन समाप्त होने के उपरांत युवक अनिकेत कुमार गाँव के ही एक ठाकुर के दालान पर सो गया। सुबह जब अनिकेत की माँ जगाने गई तो देखा कि अनिकेत खून से लहूलुहान मृत पड़ा हुआ है। पुत्र को मृत पड़ा देख माँ चीत्कार मार कर रोने लगी, जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं मृतक के चचेरे भाई पिंटू कुमार ने बताया कि मृतक विसुनदेव राम के पुत्र अनिकेत कुमार उर्फ पारस हैं, जिसका उम्र करीब 30 वर्ष है और नौकरी हेतु तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को गांव के मंदिर में भजन कीर्तन होता है। बीते रात्रि भी भजन कीर्तन कर लौटने के क्रम में ठाकुर जी के दालान पर सो गया। सुबह में मृतक की माँ जगाने गई तो देखा कि लड़का मृत पड़ा है। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक के माथे में दो गोली का निशान है। अब यहां सवाल उठता है कि जहानाबाद में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर चढ़ गया है, जो आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना का अंजाम दिया जा रहा है। बीते एक सप्ताह में अनेक आपराधिक मामले प्रकाश में आए हैं। बीते काको थाना क्षेत्र में चाकू से गोदकर एक की हत्या तथा एक को घायल अवस्था में PMCH में इलाजरत है। वहीं कल्पा थाना क्षेत्र में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को पिस्टल के साथ ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। वहीं बीते मंगलवार की शाम शकूराबाद थाना क्षेत्र गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाकों में दहशत का माहौल तथा बीते रात्रि घोषी बाजार में कबाड़खाना में आग लगा लाखों रुपए की संपत्ति जला डालना जैसी घटनाओं का अंजाम दिया गया है। तो यहां लोग सवाल उठाना प्रारंभ कर दिए हैं कि क्या फिर से जहानाबाद पुरानी यादों की ताजा कर उन्हें वापसी की ओर अग्रसर है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर सभी बिंदुओं पर जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। गोली किसने मारी, जल्दी अपराधी को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस कुछ बताने से इनकार कर रही है। हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष पिंटू चंद्रवंशी हैं, उन्हीं के चचेरा भाई हैं। उन्होंने सुबह सुबह टेलीफोन पर मुझे सूचना दी कि मेरे चचेरे भाई को किसी अज्ञात लोगों ने बरामदा में सोया हुआ था, दो गोली मार के हत्या कर दी। तो मैं उन्हें ढाढ़स देते हुए हम कहें कि आप आगे की कार्रवाई कीजिए, पुलिस पहुंची हुई था। हाँ, फिर हमने SP साहब से बात करके सारी स्थिति से अवगत कराया। SP साहब ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगा, जो भी न्याय संगत होगा, जो दोषी को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा और वो कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किए हैं। और अब उसके बाद फिर उनके परिजन को मैं बुलाया हूँ, पोस्टमार्टम के पास में यहाँ पर हम लोग उपलब्ध हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद इनको शांतिपूर्ण बोल रहे हैं कि जो भी निर्दोष है उसको किसी भी स्थिति में नहीं फंसे, निर्दोष आदमी और दोषी है उसको छोड़ा नहीं है। और उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं और आगे जितना भी कार्रवाई करना होगा हम लोग SP साहब के माध्यम से करा देंगे। विशेष जांच की इसकी मांग होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विशेष जांच की। उनका मोबाइल लोग जैसा कि मालूम हो रहा है कि डिलीट कर दिया गया है। वहाँ पर के लोग, बगल में दो लोग सोया हुआ था उस बरामदा में, उन लोग से भी जाँच, एक जाँच का विषय है। पुलिस जाँच करेगी और जाँच करके सत्यता की। क्या नाम था इनका? अंकित चंद्रवंशी, अनिकेत चंद्रवंशी था, 30 वर्ष उम्र था। क्या हुआ इनके साथ? ये लड़का हमारे गांव में एक मंदिर है, जहां तक मेरा जानकारी है एक गांव में मंदिर है, उस मंदिर पर हर मंगलवार को भजन कीर्तन होता है। ये लड़का वहीं पे भजन कीर्तन कर रहा था। उसके बाद ही जब ख़त्म हुआ तो ये वहाँ से उठ के चढ़ गया। एक रमेशर ठाकुर के दलान है, दलान पर ही जहाँ तक देखे जिस अवस्था में इसको गोली लगा हुआ है और सोया हुआ था बच्चा, उसी अवस्था में इसको एक गोली कंचपड़ी में मारा हुआ है और एक गोली सर में लगा हुआ है, पीछे साइड मारा हुआ है। तो मैंने इसे गोली कहाँ लगा कुछ पता चला इसके बारे में? क्या गोली कैसे लगा कुछ पता चला इसके बारे में? नहीं, अभी इससे तो किसी, ये लड़का इतना इंसान था कि इसको किसी तरह से कोई से बात विवाद है ही नहीं था, कोई दुश्मनी वगैरह कोई दुश्मनी किसी से नहीं था। तो ये आपको घायल अवस्था में दिखे? घायल अवस्था में, मृत अवस्था में हम लोग इसको देखे। अच्छा, कहाँ थे ये? ये ग्राम मसाड़ में एक रमेश ठाकुर का दलान है, वही दलान में चौकी पर ये सोए हुए था ये बच्चा घायल अवस्था में। हाँ,
मृत अवस्था में था, मृत अवस्था में, हम लोग तो मृत अवस्था में देखे ना। कितने गोली लगे इन्हें? दो गोली लगा हुआ है। क्या नाम है इनका? अनिकेत कुमार उर्फ पारस। इनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है बिशुन देव राम। कहाँ के रहने वाले? ग्राम मसाड़ ओपी ओकरी थाना घोसी जिला जहानाबाद का। उम्र क्या होगा लगभग? लगभग 30 वर्ष हो रहा है। ये लड़का अनमेरिड था, अभी शादी ब्याह नौकरी का अभी तैयारी ही कर रहा था, कुछ कुछ में बार बार जरा जरा सा से ही छट रहा था लड़का। आप कौन हुए इनके? इसका भाई, चचेरा भाई हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पिंटू कुमार। कहाँ के रहने वाले हुए? ग्राम मसाड़।